तो बच्चों, आज फिर से आपको यू आर इंटेलिजेंट चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर मोशन पे। ये जो चैप्टर है, जो चैनल है यू आर इंटेलिजेंट, आप लोगों के लिए क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स की विस्तृत जानकारी देगी, कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कराने के लिए है। यह पूर्णतः फ्री है, आप इसको एंजॉय करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मोशन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, स्पीड एंड वेलोसिटी पे और एक्सीलरेशन पे। तो डिस्टेंस क्या है? नॉर्मली जो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसको डिस्टेंस कहते हैं। इसमें कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है। जैसे कि आप स्कूल से, घर से स्कूल जाते हैं, तो जब हम डिस्टेंस की चर्चा करेंगे तो जो घर से आपकी जो स्कूल की दूरी होगी वो उसमें काउंट होगी। अब वो स्कूल से आप अपने फ्रेंड के यहाँ चले जाते हैं या स्कूल से बाजार चले जाते हैं, तो आपके घर से ले स्कूल, स्कूल से बाजार की जितनी दूरी होगी वो डिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इससे अलग है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आप मार्केट चले जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो स्कूल से मार्केट के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, और शॉर्टेस्ट दूरी क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। आप जानते होंगे कि किसी भी दो बिंदु के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है वो उस दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन होती है। तो जो नियरेस्ट दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर, स्कूल से मार्केट की दूरी 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर है। लेकिन यदि आपका स्ट्रेट लाइन पे घर से मार्केट की दूरी 2.5 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 ही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बड़ी जो सबसे मुख्य डिफरेंस है ये है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत से बहुत डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, और ये तभी हो सकती है यदि दो मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में ही हुआ विदाउट डायरेक्शन चेंज। इस कंडीशन में ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, अन्यथा हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जो भी दूरी आप तय करते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट ऑफ टाइम में होगा वो तब उतना ही होगा जितना में स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आपका ये है हाउस, ये आपका घर है, हाँ, आपकी स्कूल है ये, और ये फ्रेंड का घर है, ये 4 किलोमीटर है। अब घर से स्कूल का यहाँ पे जो देखेंगे तो एच और एस के बीच में डिस्टेंस हमेशा 4 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल से बीच में एक स्टेशनरी के दुकान पे रुकते हैं, स्टेशनरी शॉप पे रुकते हैं, वो ए पॉइंट, बी पॉइंट पे आप टीचर के यहाँ रुकते हैं, इसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। अब आप देखिए, जब हम आपका इस घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है इसको लेंगे और इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा। इस डायरेक्शन में यहाँ तक विदाउट चेंजिंग यहाँ तक आएंगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। लेकिन आप स्कूल खत्म होने के बाद स्टेशनरी दुकान पे आए
अब यहाँ पे आपने 4 + 3 किलोमीटर दिया, तो स्टेशनरी दुकान पे जब आते हैं तो आपके डिस्टेंस तो हो गए 4 + 3, बट यदि स्ट्रेट लाइन निकालेंगे स्टेशनरी दुकान और आपके घर के बीच में, तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ 5 किलोमीटर दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो 5 किलोमीटर होगा। अब वहाँ से आपने आगे टीचर ने बुलाया, आप इस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, टीचर का घर और आपका घर के बीच में 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 4 किलोमीटर होगा, बट डिस्टेंस जो है आप देख लीजिए 4 + 3 + 2 9 किलोमीटर। और फ्रेंड के घर जब आप जाते हैं उस समय आपकी दूरी अपने से स्ट्रेट लाइन दूरी 4 किलोमीटर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस हो जा रहा है आपको कितना हो जा रहा है 11 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 4 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि कोई कहे कि स्कूल से और फ्रेंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आप देखेंगे इस चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये इनिशियल पॉइंट, यदि आपको कहता है स्टूडेंट स्कूल और फ्रेंड, यदि इनिशियल पॉइंट आपको डिफाइन किया जाता है चेंज होता है, तो इस जगह से हम उसको देखना शुरू करेंगे और यहाँ के बीच में स्ट्रेट लाइन है, इस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो हमें लग रहा है कि आप इसको समझ गए हैं, यदि आपको दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट्स में आप दें, मैं इसका जवाब दूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। उसमें क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो मैंने यही बताया है, अगेन इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया कि ए पॉइंट से बी एंड सी, अब क्या है आज जो भी गया ए तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, अब क्या है फाइनली वो ए पे पहुंच गया, अब वो ए से चला था बी गया, बी से सी पे गया, सी से वापस ए तक आ गया, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि उसी पॉइंट से चलकर, जिस पॉइंट से चला और उसी पॉइंट पे वापस आता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो आप एग्जांपल में कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बट डिस्टेंस घर से स्कूल और स्कूल से वापस की जो डिस्टेंस होगी वो होगी। एक और क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पॉइंट देखिए, ये स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड में इसके साइड्स बोलते हैं 10 मीटर के, यानी कि इसका पूरा आप पेरीमीटर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो 40 मीटर वो कितना देर में मूव करता है 40 सेकेंड में, यानी कि 1 मीटर कितने देर में मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा 140 मीटर। देख लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है, 140 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वेलेंट टू 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में 140 मीटर गया। अब चूंकि वो इसमें ही घूम रहा है, आप देखिए इसी में घूम रहा है, तो जब इसमें घूम रहा है तो कितना होगा, एक चक्कर काटने में उसको होता है 40 मीटर, और वो 140 मीटर चलता है, इसका मतलब कि 3 चक्कर काटने के बाद फिर वो 20 मीटर आगे बढ़ चुका है। अब एग्जाम्पल लीजिए, वो इस जगह पे शुरू किया था, वो ये पॉइंट ए है, ए से शुरू किया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 कॉर्नर है। अब ए से चल के बी और बी से चल के सी, 10 मीटर का हर साइड है, तो वो 3 बार चलने के बाद ए पे पहुंचेगा और फिर बी से जाएगा और बी से सी पे जाएगा, 20 मीटर चलना है, हर साइड 10 मीटर का है, तो फाइनली वो देखेंगे आप कि 3.5 सर्कल वो कंप्लीट किया, एक बार में 40, फिर दूसरे बार में 40, फिर तीसरे बार 40, तो 3 चक्कर राउंड कटा काट के वो ए पे आया और उसके बाद वो सी पे पहुंचा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 140 मीटर। वो तो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा जितना दूर चलेंगे, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तीन बार तीन चक्कर में उसी जगह आया है, तो वो तो तीन बार में जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फाइनल राउंड में वो 20 पे आया है, यानी कि यहाँ पे है, ए से चला था और वो सी पे है, तो उसकी प्रेजेंट जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो होगा इस ए से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो और सी पे आया है, तो ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अब देखिए 90 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट लाइन निकालना है ए और सी का, तो हमेशा क्या होगा, रूट अंडर स्कोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो आप इस पे निकलेगा कि 14.1 आपको मीटर पे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हो सकता है वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लिया कि ए और डी के बीच से स्टार्ट किया यहाँ पे, और वो ए और डी के बीच से स्टार्ट करता है यहाँ पे, तो वो यहाँ इस जगह पे होगा, बी और सी के बीच में होगा, इस समय उसके डिस्प्लेसमेंट कम होगा, लेकिन चूंकि बुक में इसने कुछ नहीं दिया है तो हमेशा मेरे हिसाब से मानना चाहिए कॉर्नर पॉइंट से ही लेके चलना चाहिए। यदि वो कहेगा कि एक साइड के बीच से स्टार्ट करेंगे, उस कंडीशन में आप देखेंगे इस बीच से स्टार्ट करेगा तो इस बीच के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट यदि अलग से कोई नहीं पूछता है देता है तो हम मान के चलेंगे कि वो कॉर्नर से स्टार्ट किया था। हमें लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये फॉल्स है, ट्रू नहीं हो सकता। आप देखने देख लीजिए कि वो जीरो और निगेटिव भी हो सकता है। अब एक निगेटिव कैसे होगा इस पे चलते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ ओ है, इससे 5 किलोमीटर इधर गया, यहाँ कुछ काम किया 5 किलोमीटर तक, और फिर वो यहां से वापस आया 3 किलोमीटर, ओ ए और बी, तो डिस्टेंस कितने होंगे, डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इधर है, ये 3 किलोमीटर है, यहां से यहां 3 किलोमीटर, तो 5 प्लस 8, वापस 8 किलोमीटर गया, तो 5 प्लस 8 की 13 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अब देखिए चूंकि आप जो स्टार्ट किया उस समय इस डायरेक्शन में गया था, लौटा इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, तो पहले गया एक डायरेक्शन इधर पॉजिटिव 5 किलोमीटर, -8 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये कभी नहीं हो सकता। आपने देखा जब एक ही कंडीशन में बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल होगा या जीरो होगा, बट इक्वल एक ही कंडीशन में होगा यदि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिस मोशन में टाइम इंटरवल, मतलब कि अगर एक पहला 10 मिनट 10 मीटर में उसने 10 मिनट में उसने 1 किलोमीटर गया, अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर जा रहा है, दूसरे 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर जा रहा है, तो इसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर गया, दूसरे 10 मिनट में वो 500 मीटर गया, उसके बाद दूसरे तीसरे 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला गया, मान किसी शहर के बाहरी हिस्से से इंटर कर रहा है, शहर में इंटर किया, शहर से हाईवे पे आ गया, तो ऐसे कंडीशन में उसके पूरे आधे घंटे के यदि मोशन देखेंगे, आधे घंटे के इंटरवल पे देखेंगे, तो उसका यूनिफॉर्म नहीं रहा, हर 10 मिनट पे चेंज रहा, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल पे ट्रेवल नहीं करता है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब आते हैं स्पीड क्या है। तो अगेन स्पीड किसी का जो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल करता है उससे उसकी स्पीड निकाली जाती है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम। तो
स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसमें हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। मान लिया कि उसने 2 घंटे में 120 किलोमीटर गया, वो तो वो दो घर उसको किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। उसी तरह से मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो उसको मीटर और सेकंड में बदलेंगे दोनों को, और उसे मीटर पर सेकंड निकालेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर आवर में निकालना है तो किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में एक जो सबसे खास जो अंतर है वो ये है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। सो इन द केस ऑफ वेलोसिटी वी टेक द डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जिस तरह का फर्क होता है, सिमिलर फर्क होता है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो वो हमारा सॉरी एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी का भी वही एसआई यूनिट है जो स्पीड का है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? स्पीड जितना डिस्टेंस चल चल के जाएगा, वो मान लीजिए आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, और कितने जितने टाइम में गए कितने टाइम में आए उसे डिवाइड करेंगे तो वो स्पीड कहलाएगा। लेकिन वेलोसिटी इसके डिफरेंट हो सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन जो चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यदि 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बहुत से बहुत 0 हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जैसे कि चलते चलते बीच में रुकी, और उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के, इसको ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटरवल ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पर सेकंड ले रहे हैं, पर आवर ले रहे हैं, और वो 1 घंटे के लिए वहां रुक गया, 1 घंटे के लिए वो वहां रुका 1 घंटे के लिए, तब वो पर आवर कंडीशन में 0 हो सकता है। अदरवाइज उसने 2 मिनट के लिए रुका और उस 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चला, पिछले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, जबकि वो जिस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला था उसमें 10 सेकंड के लिए रुका, तो वहां स्पीड 0 नहीं होगा। यदि हम वो सेकंड 5 सेकंड के लिए रुका, और सेकंड के टर्म में यदि हम यूनिट ले रहे हैं तो पार्टिकुलर सेकंड में वो 0 हो सकता है, तो वो नॉर्मली वो पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं। अंडर वॉट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी अगेन, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होते हैं, जब कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो वेलोसिटी और स्पीड के दोनों की एवरेज इक्वल तभी होंगे यदि वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर के मतलब वो डिस्टेंस मेजर करता है, इट डजंट मेजर दैट वो डायरेक्शन। व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जबकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, तभी उसके डायरेक्शन, तभी उसके मौसम यूनिफॉर्म कहलाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10⁸ गलत लिखा गया है, 108 लिखा गया है मिनट पर सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल, अब देखिए 5 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे? 300 सेकेंड। क्योंकि क्यों हम इसको कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्पीड सेकेंड में दिया है, ये स्पीड ये दिया है, तो हम इसको पहले टाइम को सेकेंड में बदल देते हैं, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्लिक टाइम निकालते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या था? इतना टाइम के लिए 300 सेकेंड,
तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ इतना, सो द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन इज 9 × 10⁸, 10⁻ मीटर। एक्सीलरेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि आप लिफ्ट में चढ़ते हैं और उतरते हैं, क्या वो एक्सीलरेट कर रहा है? देखेंगे कि वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, हर तल्ले पे एक पर्टिकुलर स्पीड में चलता है, जाते वक्त भी और आते वक्त। तो जब स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में वो ग्रेजुअली चेंज करता जा रहा है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो टाइम के बीच में यदि स्पीड, यदि वेलोसिटी में चेंजेज आएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो उसमें एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव और निगेटिव डिसलरेशन बोलते हैं, यदि वो निगेटिव होता है। तो इसको फाइनल कैसे निकालते हैं, जो फाइनल किसी पार्टिकुलर टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उस टाइम, उस पार्टिकुलर टाइम में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या था और एंड वेलोसिटी क्या है, उसका डिफरेंस निकाल कर उस पार्टिकुलर टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, और इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ मोशन इन योर एक्टिव एवरी डे लाइफ, यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सीलरेशन इज इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होता है, जब गाड़ी में आप बैठे रहते हैं और उसमें जो एक्सीलरेटर दबाते रहते हैं, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हुआ, बट एक्सीलरेशन इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होता है, जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, और या तो बॉल को हम आसमान में फेंकते हैं, आप आसमान में जो बॉल को फेंकते हैं तो आप इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, धीरे 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 वेलोसिटी ऊपर में घटती जाती है, और फिर एक पर्टिकुलर स्पीड जगह पे जाने के बाद वो वापस आता है, तो उस कंडीशन में बॉल में उसका जो मोशन किधर है, वो जब भेज रहे फेंक रहे हैं, फेंकने के समय वो स्काई की तरफ है, बट उसमें जो एक्सीलरेशन जो लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो उसको नीचे की तरफ, वही एक्सीलरेशन उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसको बोलेंगे, नीचे की तरफ खींच रहा है। एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये कब होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉलिंग ऑफ बॉल। आप चुपचाप छोड़ देंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जो एक्सीलरेशन होता है उसके, वो यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन कम नॉन यूनिफॉर्म है जब आप देखते हैं भीड़ भाड़ में गाड़ियां चलती है, थोड़ा तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो उसका एक्सेलरेशन जो है बेस्ड ऑन द क्राउड कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और जो भी कुछ नया इम्प्रूवमेंट आपको लगता है आप इसमें दीजिए, और मैं आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की तो वो भी आप दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करें, और आप मैं जो मोशन के बचे हुए पार्ट है वो मैं जल्द ही शेयर करूँगा। थैंक यू।